हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 10 फरवरी 2019 की हम बात करते हैं। 10 फरवरी 2019 का करंट अफेयर्स आपके यूवी कंपटीशंस चैनल पर हाजिर है। साथियों, यदि आपने डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। इंडिया एंड बांग्लादेश हैव साइंड एन एमओयू फॉर ट्रेनिंग 1800 बांग्लादेश सिविल सर्वेंट्स एट द नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस NCC एंड इस इंस्टीट्यूट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रेवियंस मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर्स। भारत और बांग्लादेश ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक संस्थान के नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस NCGG में अगले 6 वर्षों के लिए 1800 बांग्लादेश जनसेवकों के प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, The 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP ऑफ द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड एनवायरमेंटल ट्रेटी अंडर द एजीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम इज गोइंग टू बी होस्टेड बाई इंडिया ड्यूरिंग 15th to 22nd February 2020 एट गांधीनगर इन गुजरात। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वाधान में एक पर्यावरणीय संधि जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों CMS के संरक्षण पर कन्वेंशन के 13वें सम्मेलन का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में 15 से 22 फरवरी 2020 को भारत द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इश्यूड ए नोटिफिकेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ लद्दाख एज 3rd division इन द स्टेट। भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 5 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार ने राज्य में लद्दाख को 3rd श्रेणी के निर्माण की अधिसूचना जारी की। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स स्मृति ईरानी लॉन्चेज द इंडिया साइज प्रोजेक्ट इन मुंबई ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। इंडिया साइज एम टू अराइव एट ए स्टैंडर्ड इंडियन साइज फॉर द रेडी टू वियर क्लोथिंग इंडस्ट्री ऑन द लाइन्स ऑफ द स्टैंडर्डाइज साइज अवेलेबल इन कंट्रीज सच एज द USA एंड द UK। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने मुंबई में इंडिया साइज परियोजना लॉन्च की। देश के इतिहास में अपनी तरह की पहली परियोजना इंडिया साइज का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में उपलब्ध मानकीकृत आकारों की तर्ज पर रेडी टू वियर कपड़ों के उद्योग के लिए एक मानक भारतीय आकार स्थापित करना है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म KJ अल्फोंस एंड आसाम चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनोग्रेटेड द 2nd एशियन इंडिया यूथ समिट एट होटल ताज वियतनाम इन गुवाहाटी। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री KJ अल्फोंस और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी के होटल ताज विवांता में 2rd आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICI अनाउंस्ड दैट इट हैज साइंड ए पैक्ट विद इन्वेस्ट इंडिया टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री एंड इंडियन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI ने घोषणा की कि उसने देश में विदेशी निवेश और विदेशों में भारतीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज ऑफ टूरिज्म, निधन। ऑस्कर नॉमिनेटेड ब्रिटिश एक्टर एल्बर्ट फिने ने पास्ड अवे पीसफुली आफ्टर ए शॉर्ट इलनेस। ही इज 82 ईयर्स ओल्ड।
ऑस्कर नामांकित ब्रिटिश अभिनेता अल्बर्ट फिन्नी का कुछ समय के बीमार होने के बाद निधन हो गया। उनकी आयु 82 वर्ष थी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में डालें, यूवी कंपटीशन चैनल और हमारे वीडियोस को शेयर करें और साथ ही यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।